जैसे बारिश किरम झिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। भगवान महावीर की वाणी का एक सूत्र, अपान में वो जुझाई किमते जुझेन बज्जो, अपान में वह अपान जयता सहम है। ये साधक ये जीवात्मा, तू स्वयं से युद्ध कर, तेरा बाहर से युद्ध करने का कोई लाभ नहीं। देखो इस पृथ्वी पर जब से अनादिकाल से युद्ध हुए हैं, विश्व का एक बहुत बड़ा इतिहासज्ञ आर्नल्ड टॉनबी ने लिखा है, कोई दिन खाली नहीं जाता जहां युद्ध नहीं होता, कहीं ना कहीं युद्ध होता है, और कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जहां उस युद्ध की विपरीत शांति की बात नहीं होती। एक तरफ राजनेता शांति के कबूतर उठाते हैं, एक तरफ वो कहते हैं युद्ध की तैयारी करो, युद्ध के बिना शांति हो नहीं सकती। मिसलोनी ने कहता था, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर द वार। ये मिसलोनी का बहुत बड़ा योद्धा था हिटलर की तरह। इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर द वार, शांति चाहते हो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शांति युद्ध से मिल सकती है? पूरा जीवन ने युद्ध किया हो उनको शांति कैसे मिल सकती है? कहते एक तरफ युद्ध की तैयारी, एक तरफ शांति की बात, हो नहीं सकती। हम भी यही कर रहे हैं। युद्ध किससे करना चाहिए? अपने से करना चाहिए, और वह महावीर ही कर सकते। हम महावीर के वचन सुनाते हैं, सच में कहता हूं जब भगवान की वाणी सुनते हैं तो अंदर में एक भाव आता है, बोल तो रहे हैं, जीवन में कहाँ आती है। अंतर में एक प्रायश्चित का भाव भी आता है कि हम आपके सामने बोल रहे हैं, वो वाणी मेरे जीवन में उतरे तो बोलने की जरूरत ही नहीं। और सभी तीर्थंकर भगवंत बोलते नहीं जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हो जाता। और हम इतने बोलने के शौकीन हैं, आप सुनने के शौकीन हो, कुछ ना कुछ सुनाओ महाराज। हम भी सोचते हैं भाई तुम्हारे घर से आहार पानी लिया है, आपने रहने की जगह दी है, कपड़े दिए हैं, सारा कुछ हमारा ख्याल रखते, कुछ सुना दो। हम समझ के सुना देते हैं, पर सच में सुनना सुनाना वही सार्थक होता है, पहले मेरे जीवन में आए फिर मैं बोलूं ना बोलूं तुम्हारे जीवन में निश्चित आएगा। मौन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया जाता है, एक मौन, गहन मौन, और ध्यान से पहले मौन। और मौन कैसा होना चाहिए? मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से काया से मौन। एक स्थान पर बैठ गए, वाणी से मौन हो गए, भीतर चले गए, विचारों के प्रति भी मौन। कई बार आप मौन तो कर लेते हैं, लिख लिख के भी बातें होती हैं, कई बार हमें भी कहना पड़ता है भाई वो अच्छा है मौन की अपेक्षा लिख के बोलना, जो वाणी चलती है उसमें ज़्यादा आते हैं। तो अंदर के विचार चलते रहते, तुम यहाँ बैठे हो क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अंतःकरण से पूछो, किसी को फैक्ट्री की याद हो रही है, किसी को साड़ी देनी है, किसी ने डायमंड खरीदना है, बहनों को भोजन की याद आ रही होगी, बच्चे स्कूल गए, नाश्ता बनाना है, ये सब चलता रहता है भीतर। सुनते कहाँ है? सुनना बहुत बड़ी बला है, सुनने की कला। सुनो सब छोड़ दो, कोई धारणा परंपरा जो भी तुम्हारी धारणा है, तुमने जो सुना है वो अलग कर दो, सुनना आ जाए जीवन बदल। हम कहाँ सुनते? अपने माता पिता जो आपके बुजुर्ग हैं, कम से कम 15 मिनट उसके पास बैठो, कुछ ना कहो, उनकी हाँ में हाँ में हाँ ठीक है ठीक है, सिर लाते रहो, बोलो ना, उनको बड़ी शांति मिल जाती है। तुम उनको 5,000 रुपया का नोट ना दो पर सुन लो उनकी बात, उनको बहुत शांति मिल, आधा रोग दूर हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर पूछता रहता है, तुम बताते रहते हो, डॉक्टर कुछ नहीं कहता, अच्छा ठीक हो जाओगे ठीक हो जाओगे ठीक हो जाते हो। किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हो तो पूछता रहता, अच्छा और बताओ पहले क्या था, वो सारी बातें आपकी निकाल लेता है,
फिर लिख देता है ये कारण है। किसी वकील के पास जाते हो, आर्किटेक्ट के पास जाते, आपने कैसे मकान बनाना है, तुम बताते हो, वो सुनता रहता है, भीतर एक नक्शा बना लेता है। तो ऐसे ही सुनना, केवल सुनना, उसके साथ कोई संस्कार, कोई धारणा, कोई परंपरा ना बनाना, फिर आपके जीवन एक समय जब आप करते हो, आते हो, प्रवचन शुरू हो जाता है, बस केवल आंखें बंद करके बैठ जाइए ध्यान में, ठाणे नंग मोने नंग जाने नंग, जुबानी आ रही आने दो, बस उसकी कोई शब्द, कोई लाइन, कोई सूत्र, कोई गाथा, कोई प्रवचन की एक लाइन भी आपको समझ में आ गई, घर में नोटबुक बनाना, वो जो तुमने लिखा वो तुम्हारे अपने अनुभव के सूत्र होंगे, और कैसे जिया जाए, कैसे उसको, तो ये बहुत बड़ा आपके जीवन का, जैसे आप डायमंड संभाल के रखते हो ना, ये संभाल के रखो, और प्रवचन में बार बार पढ़ते रहो, बार बार रिवीजन करो, जैसे वाचना, पूछना, प्रयत्ना, अनुपरीक्षा, धर्मकथा, स्वाध्याय के 5 अंग, जो लिखा है उसको पूछो, क्रोध को शांत कैसे करें, बताओ हमको, आपने बोल तो दिया मेरा शांत नहीं हो रहा, ये भी सोच के बताएंगे, मैंने बोल तो दिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बोलने वाला बोल देता है, बाद में ख्याल आता है, कोई पूछे तुमने कहा कि क्रोध कैसे, फिर मुझे लगेगा मैं भी तो क्रोध करता हूँ भाई, मुझे भी उत्तेजना आ जाती है, पहले मैं अपनी उत्तेजना शांत करूँगा तो आपको बता पाऊँगा, तो बड़ा इफेक्ट होता है, दोनों का प्रश्नों का उदान प्रदान अनंत उपकार है गंधर्व गौतम का, उन्हें प्रश्न पूछे और सूत्र बन गए, अनंत ने प्रश्न पूछा त्रिपिटक बन गए, शिष्यों ने प्रश्न पूछा ऋषियों से वो उपनिषद लिखे गए, ब्रह्म सूत्र बन गया, गीता लिखी गई अष्टावक्र महागीता, जनक ने प्रश्न पूछा अष्टावक्र से वो गीता नहीं महागीता बन गई, कैसे होगा ज्ञान, कैसे होगा वैराग्य, कैसे होगी मुक्ति, ये पहला प्रश्न जनक ने पूछा, राजा था, उसने नहीं कहा कि मेरा राज्य की सीमाएं कैसे बढ़े, हाथी घोड़े कैसे बढ़ जाएं, देखो एक राजा सिंहासन पे बैठा है, रानियां है, महल है, नृत्य होता है, और एक सन्यासी भी वहां जाता है कि कैसे मान ले जनकों की ये सन्यासी है या विदेही है, एक रात रहा नृत्य हो रहे हैं, सुंदरियां आ रही हैं, जनक अपनी मस्ती में है, इसको कहते हैं वैराग्य, इसको कहते हैं आत्मस्थिति, इसको कहते हैं आत्मदृष्टि, इसको कहते हैं ज्ञान, और गुरु भी बनाया और पहला प्रश्न पूछा, आप पूछते हो कितनी बार पूछते हो, आत्मज्ञान कैसे हो, एक आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, एक आत्मदृष्टि को प्राप्त कर लिया, तो आपका चतुर्मास आना सफल हो गया, बैठ करके ध्यान में 5 नमकार मंत्र पढ़ के उस प्रभु को भीतर बुला लो, अरिहंतानंग, अरिहंत परमात्मा कैसे हैं, सिद्ध भगवान कैसे हैं, और उनके मार्ग पर चलने वाले वो आचार्य कोई भी हो सकता है, मेरा नाम मत लेना, जो आचार्य कोई भी दुनिया में कोई भी आचार्य है, बहुत है लोग, ऐसा मत समझना, लोग बुराई की तरफ देखते हैं, श्रवण संघ के संत ऐसे, वो ऐसे, ये श्रवण संघ में भी हीरे मोती हैं, बहुत से साधु साध्वी इतनी तपस्या करते हैं, एकांतर किया, मांस खमन किया करते हैं, बहुत कुछ है, पर हम किसी की बुराई ना ले, अच्छाई ले, उपाध्याय जो ज्ञान की है, साधु को नमन करके बैठ जाओ, आनंद भीतर बहने लग जाएगा, पहले दृष्टि निर्मल हो जाए, दृष्टि निर्मल नहीं तो कुछ नहीं, नवकार मंत्र पढ़ा ऐसे फला जाएगा, तुम्हारी समाई कैसे चली जाएगी, तुम्हारा तप भी नजरा नहीं कर सकता, पहले आत्म दृष्टि, बार बार आपको कहते आत्म दृष्टि, दृष्टि बदलो अपनी, दृष्टि संसार की तरफ है, रुचि संसार की तरफ है, तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, तो भगवान की वाणी कहती अपान में जुज्जाई किमते जुज्जेन बजो, हे जीवात्मा बाहर का युद्ध करने से क्या होगा, कुछ नहीं होता, अंदर का युद्ध करो, अंदर का युद्ध करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अंदर कौन है, कभी देखा भीतर, भीतर की आवाज़ सुनो, जैसे समय करते हो, ध्यान करते हो, मन घबराता है, मन कहाँ कहाँ भागता है, कभी भोजन की तरफ, कभी धन की तरफ, कभी वस्त्रों की तरफ, कभी हीरे जवाहरात की तरफ, कभी कुर्सी की तरफ,
कभी भ्रमण किया और कहाँ कहाँ मन भागता है, और बुद्धि कहती ठीक है ना, बहुत हो गया ध्यान, उठो ना, जल्दी करो, भूख लगी है, करो भोजन। ये आपका दृढ़ निश्चय संकल्प, एक संकल्प करो महावीर की सारी साधना संकल्प, एक सामायिक संकल्प की करो, एक ध्यान संकल्प से करो, 15 मिनट का शुरू करो, 10 मिनट से शुरू संकल्प करो, और ध्यान खड़े होके भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, लेट के नींद आने की संभावना रहती है वो भी कर सकते हो। अपने से युद्ध करो, आत्मा को जीत लेने पर ये जीत सुख को प्राप्त होता है। आत्मा को जीतने का मतलब क्या है, आत्मा के ऊपर जो विकार लगे हैं 18 पाप स्थानकों के, जन्मों जन्मों के, इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के विकार लगे हैं, जब तुम और मैं नरक के में गए, नरक में परमा धर्मी देवियों ने, देवों ने कष्ट दिया, उस समय मन में बहुत उनके प्रति द्वेष भावना थी, ये मुझे क्यों दुख दे रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है इनका, वो कर्म तुमने जो बांधे वो भी भुगतान देना पड़ेगा। पशु बन गए, मार पड़ी, भोजन नहीं मिला, चाबक पड़े, उस समय तुम्हारे जो पशु भाव में क्रोध आया, राग आया, द्वेष आया, वो ग्रंथियां आत्म प्रदेशों पर पड़ी है, उसका भुगतान भी देना पड़ेगा। मनुष्य बन गए, मनुष्य बनने के बाद भी अहंकार आता है, देखो मेरे जैसा व्यक्ति मुझे ऐसा कह दिया, उसने ऐसा क्या कह दिया, छोटी छोटी बातों को लोग झगड़ते रहते, जब तुम्हारा शरीर है ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारे विचार नहीं, तुम्हारी परंपरा नहीं, तुम्हारा गुरु नहीं, ये सब जाने वाले हैं, शमशान की राख है, फिर किसके लिए झगड़ा करते हो? अनित्व भावना कि देह अलग है और आत्मा अलग है, ये अनित्व भावना, मैं वो नहीं हूं जो दिखाई देता है, मैं शिवमुनि नहीं हूं, पहले कौन था मैं, जन्म लेने से पहले कहीं ना कहीं से आया हूं, मुझे पता नहीं, और आपको भी पता नहीं, और जाओगे कहाँ ये भी पता नहीं, इस देह पर इतना गुमान, इतना हमने जिस देह के लिए किया, जो हमने छल छदम किया, धन कमाया, भोजन के लिए या प्रतिष्ठा के लिए, जो कुछ भी कर्म बांधे इस देह ने बांधे, आत्मा को कुछ भी जरूरत नहीं है, आत्मा मात्र दृष्टा और ज्ञाता है, जो श्वान से ज्ञाता दृष्टा भाव में चली गई, वो अनंत अनंत कर्मों की नजरा है, ये आत्मदृष्टि, ये महावीर की आत्मदृष्टि, ये अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की भेद ज्ञान की साधना, जो आपको 4 दिनों में मिलती है, एक शिविर से आपके जीवन का रूपांतरण हो सकता है, और ये आत्मदृष्टि मिली, निश्चित निश्चित आप मोक्ष जाओगे। कब जाओगे? ये तुम्हारे पुरुषार्थ पर, तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। जल्दी भी जा सकते हो, देर भी लग सकती है, किस गति से आप पुरुषार्थ करते उस पर निर्भर करता है। तो अपने को जीतना, अब कैसे जीतना, भगवान ने कहा था तो दे दी, अब जीतना भगवान ने कह दी, जीते कैसे, साधना नहीं है, यहां सूत्रों में साधना नहीं है, वाणी वही है, सूत्र वही है, जीतो, और भगवान ने जीता अपने आप को, और कैसे जीता हमारे सामने, भगवान ने साढ़े 12 वर्ष की साधना में कितने कठोर से कठोर परिचय, पहली बात के देह के प्रति जो तुम्हारा ममत्व है, आकर्षण है, उसको कम करो, जो आप हीरे जवाहरात पहनती हो वो किसके लिए पहनती, दिखाने के लिए पहनती, आभूषण पहनती हो, क्यों पहनती हो, धीरे धीरे कम करो, ये 12 अनुवर देते हैं, धीरे धीरे कम करो, जल्दी नहीं कर सकते, तो भोजन के प्रति आसक्ति है, उस भोजन को कम करो, आंखों के प्रति आकर्षण है सिनेमा जाने का, घूमने का, उसको कम करो, और यदि आपका जीवन बदल गया तो अपने आप होता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मन ही नहीं करता कहीं जाने का, तो कैसे बदलना, दृष्टि बदल गई सब बदल जाता है, तो ऐसे हम अपने को बदलें, जीव भिन्न आत्मा भिन्न, बस ये हमेशा ध्यान रखो। यदि आपको किसी ने कटु वचन कह दिए, सहन करो, महावीर ने कितना सहन किया, क्या महावीर की क्या गलती थी, दीक्षा लेते ही चाबक पड़े महावीर को, दीक्षा लेते ही, और महावीर ने कहा मेरा कसूर क्या है, मैंने थोड़ा गाय चुराई है तुम्हारी, महावीर नहीं बोले, उसने अपने मन से कल्पना की, गाय थी चली गई, द्वारा आ गई, इसने चुराई होगी, चाबक पड़े, महावीर ने सोचा ऐसे अप्रीतिकर स्थान में रहना ठीक नहीं, चतुर्मास के पहले घर कर गए, ये आश्चर्य है, तीर्थंकर को
चतुर्मास में ठहरने की जगह नहीं मिली महावीर को। आज महावीर के गीत गाए जाते हैं, आज महावीर हमारे आराध्य हैं, परम पिता हैं, तीर्थंकर हैं। उस समय महावीर की स्थिति क्या थी? बैठने को जगह नहीं मिली, ध्यान करने को जगह नहीं मिली, भोजन के लिए गए थे, उल्टे के बाकले 6 महीने के बाद मिले। भगवान भोजन क्या करते थे पता है? बेर का चूर्ण, नीरस शुष्क आहार। और ऐसे देश में गए लार देश में, कोई भोजन देने वाला नहीं था। भगवान को फांसी पे चढ़ा दिया, फांसी टूट गई, कितने कष्ट आए भगवान फिर भी सहन करते रहे। हमें किसी ने फांसी पे तो नहीं चढ़ाया। यदि कोई कटु वचन आपके भीतर लग जाए, उस कटु वचन को सहन करना महान महान कर्मों की नजर है। तप मत करो, किसी के कटु वचन को सहन कर लो, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अपने जीवन को निर्मल बनाए, कैसे अपने को जीतना, 12 भावनाएं जो आपके सामने आए, चिंतन करना, एकत्व भावना, मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला रहूँगा। देह और आत्मा साथ साथ है, पर देह अलग है, आत्मा अलग है। जितना मैंने इस जीवन में देह को महत्व दिया है, यदि उतने से 10% भी आत्मा को महत्व दिया, तो आत्मा कहाँ पहुँच जाती है? जिसको तुम जीवन में महत्व दोगे, अगले जन्म में वही मिलेगा। आज आपने जिस व्यक्ति को, जिस स्थान को, मान लीजिए आप फॉरेन जाते हैं, कोई स्थान आपको पसंद आता है, आपको लगता है यहाँ रहना चाहिए, यहाँ बंगला बनाना, अगले जन्म में वहाँ जाओगे। ये तुम्हारी जो इच्छा थी पूर्ण करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे हमने जन्म लिए हैं। जिस व्यक्ति से राग हो जाता है, उस व्यक्ति के साथ जन्म लेना पड़ता है। शिखर मुझे बरसने लगी, ऐसे गुरुवर के। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं भवज्यामि, अरहन्ते शरणं भवज्यामि, सिद्धे शरणं भवज्यामि, साहु शरणं भवज्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं। चारे शरण लोग गत में, और शरण होगा जो भव्य प्राणी करे आराध उस उसका सदाई मंगल हो। जैसे बारिश किरम झिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।